हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे इंसोमनिया, जिसे सामान्य भाषा में नींद न आने की प्रॉब्लम कहते हैं। नींद न आने की प्रॉब्लम किस कारण से होती है और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नींद न आने की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और ये हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों पर बहुत बुरा असर डालता है। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और थकने के बाद एक प्रॉपर नींद ले लेते हैं तो हमारी थकान दूर हो जाती है, लेकिन किसी कारण से या किसी टेंशन से हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, हमारी नींद बीच बीच में खुल जाती है, उस कंडीशन को हम अनिद्रा कहते हैं या नींद न आने की प्रॉब्लम कहते हैं। नींद न आने की प्रॉब्लम कोई डिसीज़ नहीं है, लेकिन बहुत से डिसीज़ के कारण नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए जानते हैं नींद न आने की प्रॉब्लम के कॉजेस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है नींद न आने का, अनिद्रा का, वो है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। बहुत अधिक मात्रा में स्ट्रेस होना, टेंशन होना या डिप्रेशन के शिकार होने के कारण भी नींद न आने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। खासकर उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क लोड होने के कारण या घर में बहुत ज़्यादा टेंशन होने के कारण भी उन्हें नींद नहीं आती है। इसके अलावा बहुत अधिक हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं रात में, अदर गैजेट्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण काफ़ी लंबे समय तक मोबाइल या गैजेट्स यूज़ करने के कारण भी हमें नींद नहीं आती है। ओवर वर्क लोड होने के कारण, मेंटल एक्जर्शन के कारण भी नींद आने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनको लेते हैं हम तो नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ पेन किलर्स होते हैं, थायराइड की मेडिसिन होती है, डायबिटीज़ की मेडिसिन, एंटी कैंसर मेडिसिन, इन मेडिसिनों के कारण भी नींद न आने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, थायराइड या कैंसर की डिसीज़ है, इन कंडीशन में भी नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं या बहुत अधिक फास्टिंग करते हैं, उस कंडीशन में भी नींद नहीं आती है। और यदि आप बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी, मीन्स एक दिन में अगर 3 से ज़्यादा बार आप कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी नींद न आने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या आपको किसी तरह का शरीर में पेन है, उस कंडीशन में भी नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो कुछ रीज़न हैं जिसके कारण हमें नींद न आने की प्रॉब्लम, इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसको दूर करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आइए जानते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जो बहुत ज़्यादा वरीड, टेंशन में हमेशा रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आती या उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन के वो शिकार रहते हैं, पेट हमेशा फूला फूला रहता है, पेट फूलने के कारण, पेट में गड़बड़ी के कारण उन्हें नींद नहीं आती है, उनका अच्छे से स्टूल पास नहीं होता है, उस कंडीशन में नींद नहीं आती, या बहुत ज़्यादा मेंटल एक्जर्शन रहता है उस कंडीशन में अगर नींद नहीं आती है, तो कॉफिया क्रूडा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इसे 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए, रात में सोने से पहले 1 बार ले लीजिए, 1 बार मॉर्निंग में ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। ये आपके नींद न आने की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ठीक कर देता है, साथ साथ आपको एक अच्छी नींद प्रदान करता है। तो ये कॉफिया क्रूडा आप ज़रूर लें, इसको 30 पोटेंसी में ही लेना है। देन सेकेंड मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस 6x भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें नींद न आने की प्रॉब्लम तो बनी रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटल एक्जर्शन के कारण उन्हें नींद नहीं आती है, बहुत अधिक ओवर थिंकिंग के कारण, स्ट्रेस ज़्यादा लेने के कारण या डिप्रेशन में रहने के कारण, कुछ चीज़ों की टेंशन होने के कारण नींद नहीं आती है। ये जैसे एक बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई की टेंशन रहती है, जो बड़े हैं उन्हें काम की टेंशन रहती है, उस कारण नींद नहीं आती है, तो कालीफॉस 6x बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। या आपको नींद तो आती है प्रॉपर, लेकिन बीच में नींद खुल जाती है, नींद खुलने के बाद आपको नींद नहीं आती है, या आपको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, मेंटल एक्जर्शंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में कालीफॉस 6x बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जो स्टूडेंट होते हैं, अगर उन्हें पढ़ाई की टेंशन के
कारण नींद नहीं आती उनके लिए भी काली फॉस 6X बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इसे 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, आपकी इंसोमनिया की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। देन थर्ड मेडिसिन है प्लेसिफोरा का क्यू। प्लेसिफोरा का क्यू बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड वर्क रहता है जिसके कारण उनको मेंटल एक्सर्शंस होता है, या वूपिंग कफ मीन्स रात में बहुत ज़्यादा कफ होता है जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आती है, पेट में कोई प्रॉब्लम हो, पेट से संबंधित प्रॉब्लम जैसे खट्टी टिकार, पेट फूलना, ब्लोटिंग की समस्या हो, उस कारण उन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो प्लेसिफोरा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इसे दिन में 2 बार सुबह और रात में सोने से पहले 10-10 ड्रॉप्स आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लीजिए, आपकी नींद ना आने की प्रॉब्लम, इंसोमनिया की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तो प्लेसिफोरा का क्यू आप ज़रूर यूज़ करिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए और 100% रिजल्ट देखे गए। तो इन मेडिसिनों को आप यूज़ करिए, इसके साथ साथ कुछ आप प्रिकॉशन रखिए, जैसे रात में सोने से पहले बहुत देर तक मोबाइल या अदर गैजेट्स का यूज़ ना करें, ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन में ना लें, ज़्यादा कॉफ़ी, स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ ना करें, और योगा मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि योगा और मेडिटेशन से हमें मेंटल एक्सर्शन से रिलीफ मिलता है, मेंटल प्रॉब्लम स्ट्रेस से हम दूर रहते हैं जिससे हमें एक अच्छी नींद प्राप्त होती है। तो आप भी इन प्रिकॉशन को फॉलो करिए, कुछ ये होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए तो आपकी नींद ना आने की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you for watching. Stay safe, stay healthy.